एक लंबी रस्साकसी के बाद जदयू और भाजपा के बीच ये तय हो गया कि आगामी विधानसभा चुनाव दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। भाजपा ने ये संदेश दिया कि दोनों दलों में सब ठीक ठाक है और नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से बताया कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब राज्यसभा चुनाव के जरिए दोनों दल इस मजबूती को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। मार्च में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से इन सीटों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इन सीटों पर दावेदारों में उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टियां भी अपनी चालें दुरुस्त करने में लग गई हैं। भाजपा इस जुगत में लगी हुई है कि राज्यसभा में उसकी सीटें बढ़े या कम से कम एनडीए ही अपने बलबूते पर यहां बहुमत का आंकड़ा पार कर ले। फिलहाल बिहार में इस राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 2 सीटें खाली हुई थी। जिन पर उपचुनाव हुए उनमें से एक सीट भाजपा के खाते की थी, जो रविशंकर प्रसाद के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई थी, और दूसरी सीट लालू यादव की पार्टी राजद की थी, जो राम जेठमलानी के निधन से खाली हुई थी। इनमें से एक सीट भाजपा ने अपनी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी को दी और दूसरी सीट जदयू ने भाजपा के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद बिहार एनडीए गठबंधन में खींचातानी का दौर शुरू हो गया था। भाजपा की ओर से भी और नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। तरह तरह की अटकलें लगने लगी। ये कहा जाने लगा कि नीतीश फिर से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन से भी इशारा आने लगा। इस बीच झारखंड चुनाव नतीजों ने भाजपा को फिर से मुस्तैद कर दिया। पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार एनडीए गठबंधन पर जो शक के बादल थे उन्हें ये कहकर हटा दिया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी। उसके बाद नीतीश ने भी उनके इरादे से सबको अवगत करा दिया कि वो भी एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। दरअसल जब राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए थे उसी समय ये तय माना जा रहा था कि इस बार एनडीए के कोटे की 3 सीटों में से 2 सीटें जदयू को मिलेंगी। इस बार खाली हो रही सभी 5 सीटें एनडीए की हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन 5 सीटों में से जदयू को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिलेंगी। बिहार की राजनीति हो और जातीय समीकरण की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता। खबर है कि भाजपा और जदयू दोनों के लिए इस बार जातीय समीकरण बैठाने में मुश्किलें आ रही हैं। भाजपा के दोनों रिटायर हो रहे सांसद अगड़ी जाति के हैं और भाजपा इस बार चाहती है कि वो अपना ओबीसी बेस मजबूत करे। उसी तरह जदयू के रिटायर होने वाले सांसदों में उपसभापति हरिवंश, कहकशा परवीन और रामनाथ ठाकुर हैं। हरिवंश का फिर से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, जबकि खबर ये है कि जदयू किसी मुस्लिम चेहरे को इस बार राज्यसभा नहीं भेजेगी, बल्कि अपनी सीट पर किसी अति पिछड़ा को राज्यसभा भेजकर अपना अति पिछड़ा समीकरण साधेगी। वहीं भाजपा में भी कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। राज्यसभा में भाजपा के खाते में फिलहाल 83 सीटें हैं। भाजपा ये चाहती है कि राज्यसभा में एनडीए को जल्द अपने दम पर बहुमत हासिल हो जाए। ऐसे में वो एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। एनडीए के खाते से जदयू को 2 सीटें देकर पार्टी ये जताना चाहती है कि वो नीतीश पर विश्वास कर सकती है और नीतीश को भी उस पर विश्वास करना चाहिए। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।